करते हैं, दिल्ली के प्रदूषण का जिक्र करते हैं क्योंकि कहर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि आज प्रदूषण के स्तर में हल्की सी कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी खराब से बहुत खराब बना हुआ है। आनंद विहार की बात करेंगे जहां पर 389 पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वहीं पटपटगंज की बात करें 295 जो कि कल के मुकाबले थोड़ा सा कम है। तो वहीं विनोबापुरी की बात करें जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 299, ओखला फेज 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 दर्ज किया गया। कल के मुकाबले देखें तो प्रदूषण आंशिक तौर पर थोड़ा सा कम है, जिसमें 30 से 40 अंक की गिरावट जरूर है, लेकिन ये गिरावट पर्याप्त नहीं। हवा को खराब से बहुत खराब की श्रेणी में अभी भी रखा जा रहा है। तो वहीं नोएडा की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स 257 दर्ज किया गया। उधर दिल्ली में यमुना नदी में जहरीले झाग का बनना लगातार जारी है। कालंदी कुंज के आसपास यमुना नदी में जहरीला झाग देखा गया है और नदी में प्रदूषण का स्तर अभी भी बना हुआ है। तस्वीरें देखकर अगर आपको लग रहा है कि गंगोत्री के किसी ग्लेशियर को आप टूटता हुआ देख रहे हैं तो नहीं, ये प्रदूषण का झाग है और ये नदी यमुना है, दिल्ली से ताल्लुक रखती है। हैदर जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हैदर, किस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं प्रदूषण से जुड़ी हुई? तस्वीर का मैं जिक्र कर रही हूं, आपका फ्रेम कंपैरेटिवली कल के आज थोड़ा क्लियर लग रहा है। जी पूजा, बिल्कुल देखिए, कल जहां एक वाई लेवल बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में था, आज थोड़ी सी राहत लोगों को मिलती नजर आ रही है। लेकिन आज हम तस्वीरों के माध्यम से वो चीज दिखाना चाहते हैं जो ग्राउंड जीरो पर खासकर भी लोगों को नहीं रुकी है। देखिए, मैं जहां खड़ा हूं, ये गाजियाबाद का महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम है। यहां पर लगातार जो लोग हैं वो 11 बजे तक यहां पर मॉर्निंग वॉक या इसके अलावा जो खेल के जो प्रोग्राम हुआ करते थे वो यहां पर होते थे, लेकिन आज यहां पर सुनकाम पड़ा, यहां पर आज कोई भी नहीं। तो इसके खासकर भी जो प्रभाव है वो प्रदूषण का प्रभाव जो है वो इन लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर आते हैं या रनिंग करने के लिए यहाँ पर युवा आते हैं, ताकि आने वाले समय में जो बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, जो देश का भविष्य है, वो आज नजारत है। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि एक लेवल जो है वो इनको प्रभाव में ले रहा है, और खासकर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीमार है वो नहीं आ पाए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ की उप क्रीड़ा अधिकारी है पूनम बिश्नोई, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। मैडम, आप यहाँ पर उप क्रीड़ा अधिकारी हैं और आज यहाँ पर बच्चे नहीं है, नदारत है, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर रनिंग पर आते हैं, मॉर्निंग वॉक पर आते हैं, महिलाएं आती हैं मॉर्निंग वॉक पर, आज तुम शाम है, क्या वजह है इसकी? मैं बताना चाहूंगी, मैं पूनम अधिकारी ये हम सबके लिए बहुत ही गंभीर स्थिति है कि प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जो की जिला गाजियाबाद के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी सब आदेश दिए थे कि और हम सबको प्रयास करना चाहिए। अब जैसे कि खेल और खिलाड़ी, मैं वैसा बात कर रही हूँ क्योंकि खिलाड़ी जो है वो देश के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर होती है, और उनका संरक्षण संवर्धन करना हम सभी विभागों का परम दायित्व है, क्योंकि वो देश की ऐसी धरोहर है, वो अभ्यास के लिए आते हैं, तो उनको सुरक्षा, एक सुरक्षित माहौल देना और एक अच्छा प्रदूषण मुक्त वातावरण देना, ये भी हम सबका दायित्व है। ऐसे में क्या बच्चों की परेशानियां यहाँ हो रही है प्रदूषण की वजह से? प्रदूषण की वजह से एक तो आप ये देखिए, एक तो संख्या बल बहुत ज्यादा यहाँ कम हुआ है, क्योंकि प्रातः काल में बहुत ज्यादा अधिक संख्या में खिलाड़ी जो है आते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको हिदायत दी है कि आपको जो है इससे बचना है, और इसी बचने के क्रम में बच्चे जो है डॉक्टर्स के अनुसार अपने को दूर रख रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, माता पिता भी ज्यादा चिंतित है, उनको खांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में बहुत ज्यादा उनको एक कुछ इस प्रकार का जैसे कुछ जम जाता है, और बहुत ही ज्यादा मतलब अपने को अनकंफर्टेबल फील होता है। और आप जानते हैं कि जब खिलाड़ी मैदान पर अभ्यास करता है तो उसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इनटेक ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, क्योंकि वो वर्कआउट ज्यादा करता है, तो इस करके भी उसको तो साफ स्वच्छ माहौल मिलना ही चाहिए। तो मेरा भी आपके चैनल के माध्यम से नगरवासियों से निवेदन है कि इस ओर जितना भी हम ज्यादा प्रकृति को हम अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, और देखिए ओजोन परत का भी क्या हाल है। गुरु जाम्बेश्वर जी ने कल स्थापना दिवस था, गुरु जाम्बेश्वर जी ने जिस पंथ की स्थापना की है बिश्नोई पंथ की, आप सभी को मैं शुभकामनाएं भी देती हूँ। बताइए मैडम, आप अधिकारी भी हैं, हैदर हो सके तो इनसे बातचीत कीजिए और पूछिए कि ये कोई दिवाली ऑफर तो चल नहीं रहा है कि आज पेड़ लगाएं और आज ही छाया पाएं, आज ही ऑक्सीजन पाएं और आज ही ओजोन लेयर को सुरक्षित कर जाएं, तो इसके लिए पहले से काम करना पड़ेगा।
मैम बिल्कुल अच्छी बात है, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं आपको बताना चाहूंगी ये ऑफर का विषय नहीं है मैम। हम कहते हैं कि हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त तत्पर न कर लो, तो अभी देश के हर नागरिक की या कहूंगी विश्व के प्रत्येक सिटीजन की यह आवश्यकता है कि वो वृक्ष लगाए। वृक्ष जितने ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, हमने देखिए स्टेडियम में जो हम कर सकते हैं। मैडम एक बात बताइए, बच्चे नहीं आ रहे तो नुकसान किससे हो रहा है, देश का ही तो हो रहा है। बच्चे जो यहाँ पर आगे ट्रेनिंग करते हैं, जो आगे जाते हैं स्टेट लेवल की प्रतियोगिता होती है, ये नेशनल लेवल पर होंगी, अगर वो बच्चे इस वजह से नहीं आएंगे तो उसके लिए आपने प्रशासन से क्या मांग की है, क्योंकि खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है, आतिशबाजी हो रही है, उसको लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए वैसे तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि खुले में कहीं भी किसी भी प्रकार से कूड़ा नहीं जलाया जाना चाहिए। दूसरा जो आतिशबाजी है उस पर तो पूर्ण रूप से अंकुश इस समय प्रशासन भी लगा ही रहा है और आदेश भी आ ही चुका है। और इस ओर मैं समझती हूँ जितना से ज्यादा हम लोग, हमें ही प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि वो अधिक से अधिक अभी दिवाली के शुभ अवसर पर ठीक है खुशियां मनाए, लेकिन किसी को भी दिक्कत ना हो। मतलब हम सब, हमारा जो त्योहार है वो किसी के लिए भी समस्या नहीं बनना चाहिए। ऐसा तो है कि गाजियाबाद में बहुत सी जगह ऐसी है कि छापेमारी की गई आतिशबाजी के समान की, लेकिन अब भी धरने से बिक रहा है, लोकल जो पुलिस है वो पैसा लेकर ही काम कराती है, ऐसे आरोप लगातार पुलिस पे लग के आए हैं। देखिए इस ओर तो मैं तो जहाँ तक मैं बात करूंगी कि हमारा जिला प्रशासन इस ओर बहुत सख्त कार्रवाई कर रहा है और देखा भी गया है कि एसीपी सर ने भी काफी कुछ उसमें कार्रवाई की गई है, कहीं कहीं पर जो पकड़ा जा रहा है उन पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ प्रशासन इस ओर बहुत ज्यादा सख्त है। दिवाली के टाइम पर ही क्यों, इससे पहले ही क्यों नहीं किया गया है? पहले कार्रवाई अगर की जाती, पेड़ लगाना है तो पहले ही क्यों नहीं लगाए गए, या फिर अगर आतिशबाजी का सामान अगर देख रहा था तो पहले ही बनता था तो पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं गई, दिवाली के टाइम पर क्यों की जा रही है, या प्रदूषण लेवल जब बढ़ जाता है तभी क्यों ऐसी कार्रवाई की जाती है? सर देखिए जहाँ तक मैं कहूँगी पर्यावरण के विषय, तो पर्यावरण में तो हरे वृक्ष लगाने का लक्ष्य माननीय सीएम सर ने जो दिया था उसके आगे ही हम सब ने पूरा किया है। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हैदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम